बात करते हैं अपन एक और फॉर्मूले की, ट्रिम की। ठीक है, ट्रिम के लिए देखो यहाँ पे लिखते हैं एस, ये मैंने सन लिखा, मैंने क्या लिख लिया, 3 और 4 बार स्पेस दे दिया है ना, और उसके बाद मैं लिख रही हूँ डे, संडे लिख रही हूँ। नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, क्या आपको एक ही स्पेस देना होता है, उसमें मैंने ज्यादा स्पेस दे दिया। अगर मैं ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहती तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगी, ट्रिम लिखूंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, उस सेल को सेलेक्ट करूंगी जिसमें से मुझे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करवाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करवाना है, इसलिए मैंने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे स्पेस कितना ज्यादा था इसमें, संडे के बीच में, और इस बाद वाले में जहाँ पे फॉर्मूला लिखा वहां से क्या कर दिया इसने, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ट्रिम का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वापस दिखाऊं, एक सेकंड, ये फॉर्मूला आपका ट्रिम, और जिस भी सेल नाम का एक्स्ट्रा स्पेस वाला डिटेल लिखी थी उसका सेल एड्रेस। अब ट्रिम हो गया, अब एक और फॉर्मूला होता है आपके कॉनकेट नेट का। ठीक है, कॉनकेट नेट मीन्स मान लीजिए आपने सन तो इसमें लिखा इस वाले सेल में, और डे लिख रहे हो आप इस वाले सेल में, इसी बात वाले सेल में, अलग अलग सेल में क्या लिख रहे हो, अपना डेटा शो नहीं हो रहा पूरा। कॉनकेटनेट लिख दिया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट, संडे का ये सेलेक्ट करा, देन कॉमा लगाएंगे, फिर जिस दूसरे सेल का मुझे डेटा चाहिए था उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस आ गया, और क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कॉनकेटनेट क्या करता है, दो सेल के डेटा को मर्ज करके एक सिंगल सेल में आपके शो करवा देता है। एंटर करेंगे, अब इसने क्या करवा दिया, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सेल में दिखा दिया, ये होता है आपका कॉनकेटनेट। ठीक है, सिंपल सही है, दो अलग अलग सेल में रखे गए डेटा को किसी भी एक सेल में मर्ज करने के लिए अपन कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, कॉनकेटनेट का। ये तो चलो टेक्स्ट था, मान लो आपको डिजिट्स को भी मर्ज करवाना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी इन पर भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉनकेटनेट का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इक्वल्स टू कॉनकेटनेट, ब्रैकेट स्टार्ट करा, C12 में लिखा हुआ है आपका 56 और D12 में लिखा गया आपका 58, एंटर प्रेस करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा 56 और 58। ठीक है मैम, ये वाला फिर से समझा दो एक बार, कॉनकेटनेट वापस समझाऊं। ठीक है, ये हाँ ये नंबर वाला। ठीक है ठीक है, वापस देखो, ये 56 लिखा तुमने एक सेल में और दूसरे सेल में लिखा 58। ठीक है, अब तुम चाहते हो इन दोनों डिजिट, इन दोनों जो भी आपकी डिटेल्स है इनको एक सेल में मर्ज करवाना चाहते हो, जैसे अपन ने संडे को मर्ज करवाया था, सन अलग था और डे अलग था, बट जैसे अपन ने कॉनकेटनेट अप्लाई करवाई, ये दोनों क्या हो गए, मर्ज होके एक सेल में आ गए। अब मान लीजिए आप इन दोनों को भी एक सेल में प्रिंट करवाना चाहते हो, है ना, जो भी डिजिट्स है इन्हें एक सेल में रखवाना चाहते हो, इक्वल्स टू लगाओगे, कॉनकेटनेट लिखोगे। ठीक है, पहले मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया था, क्योंकि मैंने ऊपर ही फॉर्मूला अप्लाई कर ही रखा था, तो मैंने क्या करा था, यहाँ से ड्रैग कर लिया था। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 56 को लेना है आपको इस सेल एड्रेस को, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको इसको कनेक्ट करवाना है इससे, आप इसके अलावा और भी कुछ अगर कनेक्ट करवाना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हो, बट आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, डे को भी ले लेते हैं चलो अपन। ठीक है, ये तीन अपन ने ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब देखो इसने क्या कर दिया, 56 प्रिंट करवा दिया, 58 प्रिंट करवा दिया, और जो अपन ने थर्ड लिया था डे उसको भी क्या करवा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यानी अलग अलग सेल में रखे गए डेटा को मर्ज करना है आपको, एक ही सेल में एड करना है, सबको जोड़ना है, वो किसके थ्रू होता है, आपके कॉनकेटनेट के। ठीक है, दो फॉर्मूले और कर लेते अपन, बाकी एक्सपीरियंस जाएगा, नहीं तो ज्यादा नहीं करें अभी अपन ने। ठीक है,
फॉर्मूला लिखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्या इक्वल्स टू राइट का देखो मतलब सबसे पहले राइट ये लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा लिख रहे हो ठीक है राइट लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगी मैं, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे दूंगी मैं अपना नंबर। राइट का फॉर्मूला इस तरह वर्क कर रहा है कि ये जो मेरा संडे है ना, इसमें मुझे राइट हैंड साइड से कितने लेटर्स चाहिए ठीक है। मान लीजिए मुझे राइट हैंड साइड के केवल 3 लेटर्स ही चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 नंबर लिख दूंगी ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, इसने क्या दे दिया मुझे, इस संडे के राइट हैंड साइड से 3 लेटर्स दे दिए DAY। अगर मैं और भी देखूं सभी पे 3 लेटर्स के तो अप्लाई करके तो खैर सभी के मुझे डे 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 मिलेगा है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं। मान लीजिए मुझे इस मंडे पे 3 नहीं चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। RIGST राइट का फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, मंडे को मैं सेलेक्ट करूंगी, अब मुझे इसके राइट से केवल कितना चाहिए, 1 ही लेटर चाहिए है ना। कॉमा लगाया, 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर ठीक है। तो 1 1 में क्या आ गया मुझे, केवल इसके राइट हैंड साइड से 1 लेटर दिख गया, वो था Y। इक्वल्स टू एक और करके देख लेते हैं, RIGST ब्रैकेट स्टार्ट, इस ट्यूजडे में से मुझे चाहिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 लेटर्स चाहिए, एंटर करा। देखो ट्यूजडे में अगर पीछे से अगर अपन 6 लेटर्स ले, Y ले लिया इसने, A ले लिया, D ले लिया, S ले लिया, E ले लिया और U ले लिया, ये 7 नंबर का था T, इसलिए इसने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवाया ठीक है। जितने आप इसे रेंज दोगे, डिटेल्स दोगे, नंबर दोगे, उतने के अकॉर्डिंगली आपको आपका रिजल्ट शो करवाएगा ठीक है। सिंपल सा राइट हैंड साइड से कितने लेटर्स लेने। अब लेफ्ट भी यही है, सिंपल सा है, अभी अपन ने राइट साइड से लिए थे, अभी आपको लेफ्ट साइड से लेने का बताएगा। इक्वल्स टू LEFT लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, किसका लेना है, संडे का लेना है, कॉमा लगाया, केवल 1 लेटर लेना चाहते हैं, 1 लिखे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसने क्या दे दिया आपको, S दे दिया ठीक है। संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे सबका क्या मिल गया मुझे, 1 लेटर मिल गया। मान लीजिए मुझे 2 लेटर्स चाहिए ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नंबर 2 एंटर कर दूंगी, तो संडे का मुझे SU मिल गया और बाकी का ड्रैग करूंगी। अगर मैं चाहे तो आप अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, बट ड्रैग करके भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इसने क्या दे दिया मुझे, लेफ्ट हैंड साइड से सभी के 2-2 लेटर्स दे दिए ठीक है। सिंपल से ही है सारे फॉर्मूले। अगर आप लोगों को